सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की शुरुआत हुई थी, लेकिन जब से इस पूरे प्रकरण में एनसीबी ने एंट्री मारी है तब से ये पूरा मामला ड्रग्स की तरफ चला गया है। और अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या पूरे बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन तेजी से फैल रहा है। ये मुद्दा तब और गर्म हो गया जब बीजेपी के सांसद और अभिनेता रवि किशन ने संसद में मुद्दा उठाया, और जिस तरह से चलन की बात उन्होंने की और सफाई करने की बात की, उसके तुरंत बाद राज्यसभा में जया बच्चन ने जवाब दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉलीवुड भी दो धड़े में बटा, कुछ लोगों का मानना है कि इस पर जाँच होनी चाहिए, कुछ का कहना है कि ये बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश है। मेरे साथ मशहूर अभिनेता मुकेश जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि इनका क्या पक्ष है, इनका क्या वर्जन है इस पूरे मामले को लेकर। सर, जिस तरह से दो धड़ा हो गया है, एक धड़ा कह रहा है कि ये बॉलीवुड को बदनाम करने की बात है, एक धड़ा कह रहा है कि नहीं, ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, सफाई करने की जरूरत है, आप क्या राय रखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि आपने जो शुरुआत में स्टेटमेंट दिया है वो बहुत सही स्टेटमेंट दिया कि शुरुआत हुई थी कुछ और चीज़ से और पहुँच गए हम ईस्ट से वेस्ट पहुँच गए। बात हो रही थी सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को लेकर, जो बहुत ही संगीन है, जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, अभी भी लूप होल्स हैं। उसको करते करते धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि भाई आपके अंदर एक और इश्यू निकल आया, बिकॉज तीन तीन एजेंसियां आ गई। चलो, मैं समझता हूँ कि कोई भी जब फैक्ट्री होती है तो वो कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके बाई प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ये ड्रग एंगल एक बाई प्रोडक्ट है, चलो मैं मानता हूँ, अच्छी बात है, ये इसका निकलना जो है वो एक शुभ संदेश है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप कहते हो कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो उसको या उस शख्स को या उस लॉबी को मैं ये पूछूंगा कि आप ये बात मुझे लिख के देते हैं कि आपके यहाँ पर ड्रग्स नहीं चलता। रवि किशन भी नेता, अभिनेता से नेता बन गए, उसके पास भी एक प्लेटफॉर्म है, वो बोलेगा तो लोग, उसके पीछे पावर है, उसके पीछे बिल्स हैं, राज्यसभा है, लोकसभा है, सही जगह पे बोला उसने, क्योंकि होगा कुछ उसके बारे। तो वो जो कह रहा है कि करो तो गलत नहीं बोल रहा है, 600 फिल्म कर चुका है, वो नया आदमी नहीं है, वो इंडस्ट्री में घुमा हुआ होगा ना, उसने देखा होगा मेरे से ज्यादा, मैं तो नहीं देखा, मैं तो कभी आज तक एक पार्टी भी नहीं गया हूं। तो फिर ये जो कुछ उसने कहा है मैं उसके पक्ष में हूं, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी इंडस्ट्री अगर उस, और उसने भी नहीं कहा, माफ करना, ये गलत स्टेटमेंट है कि रवि ने ये कहा है कि पूरी इंडस्ट्री डूबी हुई है। पूरी इंडस्ट्री डूबी हुई है तो वो भी डूबा हुआ है, मैं भी डूबा हुआ ना। लेकिन सर, आप ही के फ्रेटर्निटी से, आप ही के इंडस्ट्री से जुड़ी जया बच्चन ने राज्यसभा में उसके उलट बयान दिया कि ये बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मेरा पक्ष बहुत पुराना है, मेरा पक्ष महाभारत काल में तक जाता है। द्रोणाचार्य को दुर्योधन कहता है कि ए बैठ जाओ, तुम मत बोलो आचार्य हमारे खिलाफ, क्यों? क्योंकि आपने मेरा खाना खाया है। आज अगर कोई बात करता है तो वो दुर्योधन की बात है। भीष्म पितामह भी विवश थे अधर्म में लड़ने के लिए, लेकिन आज हम विवश नहीं है, कोई विवश नहीं, इंडस्ट्री किसी के बाप की नहीं है। और थाली क्या होती है? थाली आपने थोड़ी परोसी, सही कहा उसने जो कुछ भी रवि किशन ने कहा कि थाली मैंने खुद बनाई है। मुकेश खन्ना साहब हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि रवि किशन ने जो मुद्दा उठाया वो बेहतरीन है, उन्होंने सही जगह पर यह मुद्दा उठाया, सही प्लेटफॉर्म पर मुद्दा उठाया, वहां पर कानून बनाया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन जया बच्चन ने जिस तरह से थाली में खाने और छेद करने की बात कही है उस पर ये पूरी तरह से असहमत हैं। इनका मानना है कि हर कोई अपनी थाली खुद सजाता है, और अगर थाली गंदा है, थाली में गंदगी है, तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी भी उस व्यक्ति की है। ऐसे में जिस तरह से बॉलीवुड में ड्रग्स की बातें सामने आ रही हैं, वहाँ पर भी सफाई की ज़रूरत है। मुकेश जी ये भी मानते हैं कि एनसीबी को ये सही वक्त है इस पूरे प्रकरण को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर सफाई की जाए, ताकि ड्रग्स का ये मामला पूरी तरह से बॉलीवुड से निकाला जा सके। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।